मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपने नेक्स्ट आगे कर रहे हैं। जो अपने लास्ट वीडियो में अपनी जो बात थी वो क्या थी कि जो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के अपनी क्या है कि सिंपल करेक्टरिस्टैटिक्स यानी कि जो सामान्य लक्षण है उन पर बात कर रहे थे। तो उसमें अपन ने थोड़ी सी बात भी की थी कि जैसे आपको सिंपली मैंने बताया था कि ये कलरलेस होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि उच्च होता है, सॉरी लेस ही होता है लगभग, ठीक है, यानी कि ये लगभग रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका हाई होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है कि इनमें क्या होते हैं कि जो एरोमेटिक करेक्टर्स की बात करें तो इनमें क्या होते हैं कि जैसे बेंजीन में एरोमेटिक करेक्टर होते हैं तो इनमें भी एरोमेटिक करेक्टरिस्टैटिक्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सिंपली तरीके से देते हैं, लेकिन क्या है कि जो एडिक्शन रिएक्शन है वो क्या होती है, इनमें कठिनाई से संपन्न होती है। तो इसका रीजन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई इसका क्या कारण है कि भाई ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो जाएगी। तो इसमें आपने बताया था कि जो अनुनाद है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस के द्वारा क्या होती है कि इनमें स्टेबिलिटी होती है। भाई कोई भी आप बेंजीन पर बात करें या किसी भी साइक्लिक कंपाउंड्स पर बात करते हैं तो उनकी क्या है कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्या होता है कि भी इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। कि आपको ये पता ही अपने को कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ पर थायोफिन की बात करें तो थायोफिन की जो रेजोनेटिक एनर्जी है, अनुनाद ऊर्जा है, वो क्या है 117 किलोजूल पर मोल है। पेरोल की क्या है कि 87.8 किलोजूल पर मोल है, जबकि फ्यूरेन की क्या है 71.1 किलोजूल पर मोल है। तो यहाँ पर क्या है कि थायोफिन की जो रेजोनेटिक एनर्जी का मान सबसे अधिक है, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि भाई जो सल्फर एटम है थायोफिन में क्या होता है कि जो हेट्रो एटम है वो सल्फर है, और हेट्रो एटम जो सल्फर है उसके पास क्या है कि डी ऑर्बिटल्स के भी क्या करते हैं कि अनुनाद में पार्टिसिपेट यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अतः क्या होता है कि इस रीजन से क्या होता है कि जो थायोफिन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है उनकी संख्या क्या होती है कि पिरोल और फ्यूरेन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या है कि एक तो इसकी स्टेबिलिटी थायोफिन की, सॉरी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन बात यहाँ पर अपन किसकी करें, रेजोनेटिक एनर्जी, तो रेजोनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पर थायोफिन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कंपाउंड में जो रेजोनेंस होता है तो उसमें क्या है कि डाइपोलर स्ट्रक्चर यानी कि द्विध्रुवीय संरचना का भी काफ़ी योगदान होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये शो हो रही है कि वो क्या है कि इसकी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्या है कि यहाँ पर जो डाइपोलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका अनुनाद रेजोनेंस है यहाँ पर। तो इसकी क्या है कि आपको दिख रही है कितनी बन रही है, 5 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही हैं। कि इसमें आपको ये दिख रहा है कि भाई ये जो यहाँ पर हेट्रो एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं बेबॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये इस तरह से आपको ये शो कर रखे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बात होती है कि जो यहाँ पर रिंग है यानी कि जो साइक्लिक रिंग है, क्या होता है कि यहाँ पर जो एटम है यानी कि चाहे वो कार्बन एटम है चाहे वो हेट्रो एटम है, वो सभी क्या होते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं, ठीक है। अतः क्या होगा कि जो रिंग की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। क्या होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी जिसमें क्या होंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि डीलोकलाइज विस्थानीकृत होते हैं, ठीक है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोकलाइज्ड हैं, ठीक है, और इस कारण, और ये कहाँ पर होते हैं कि रिंग के क्या होते हैं कि ऊपर और नीचे क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में होते हैं। और इसी रीजन से क्या होता है कि ये क्या नहीं करते हैं कि एडिशन रिएक्शन तो कठिनाई से देते हैं, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सरलता से देते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ क्लियर हो गई आपकी, ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। इसके अलावा जो बात होती है कि भाई इनमें क्या होता है कि इन कंपाउंड्स में जो हेट्रो एटम है, ठीक है, वो क्या है कि
फिनोलिक ग्रुप या एरोमेटिक NH2 ग्रुप की तरह ही क्या है कि रिंग में क्या होता है कि लोन पेयर प्रदान कर सकता है, लोन पेयर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है यहाँ पर। अतः क्या है कि इनकी भी रिएक्टिविटी क्या होती है, फिनोल व एनिलीन के समान ही होती है कि भाई फिनोल भी है, फिनोल में ऑक्सीजन एटम है जो क्या करता है कि अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है, शेयरिंग में करता है। इसी तरह से क्या होता है कि एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है कि इसी तरह से इसमें प्रेजेंट करता है। तो इसलिए क्या करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से क्या होती है, सॉरी यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है, इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट में आपको ये बोन क्लीवेज होगी और फिर ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि एच प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि जो अपने यहाँ पर जो अपने हेट्रो एटम वाले साइक्लिक कंपाउंड बन रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि सेम एज इट इज इसी तरह की रिएक्शन होती है। अतः क्या होता है कि ये कंपाउंड बेंजीन की तुलना में क्या होते हैं कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और इस कारण से क्या है कि इन्हें सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी क्या होती है कि बेंजीन की कंपेरेटिव इनकी और भी ज़्यादा है, ठीक है, तो इस रीजन से इनको क्या है कि सुपर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अतः इनकी क्या है कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, क्रियाशीलता का जो सीरियल है, क्रम है, तो बेंजीन क्या है कि लेस देन थायोफिन, लेस देन फ्यूरेन, लेस देन पिरोल, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इन यौगिकों की जो रिएक्टिविटी का क्रम है उसका रीजन क्या है कि यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है, और भाई पहले अपन इनकी दो दो की बात करते हैं कि ऑक्सीजन यानी कि थायोफिन और फ्यूरिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थायोफिन की जो रिएक्टिविटी है वो पिरोल से कम है, तो उसका रीजन क्या होता है कि भाई जो थायोफिन है, थायोफिन में सॉरी फ्यूरिन है, फ्यूरिन में क्या होता है हेट्रो एटम ऑक्सीजन, और पिरोल में क्या होता है हेट्रो एटम नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, या अपन ये बोल दें कि ऑक्सीजन में क्या होती है कि पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की, ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो नाइट्रोजन के कंपेयर क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। अतः क्या होता है कि पिरोल क्या होगा फ्यूरेन से अधिक क्रियाशील होता है। इसी प्रकार से थायोफिन में बात करें तो इसमें सल्फर एटम है, लेकिन सल्फर एटम क्या होता है कि इसका साइज क्या होता है काफ़ी लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो रिंग पर मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है यानी कि प्लस मेसोमेरिक जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन के कंपेरेटिव क्या होता है कम होता है। तो इस रीजन से क्या है कि थायोफिन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है फ्यूरेन से कम हो जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करते हैं, तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या है कि इन कंपाउंड्स के जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स की किस पोजीशन पर होती है। तो इसमें क्या है कि अल्फा और बीटा पोजीशन है, और अल्फा और बीटा पोजीशन यानी कि अल्फा पोजीशन पे 2 और 5 पोजीशन अल्फा पोजीशन है, ठीक है, और 3 और 4 क्या होती है बीटा पोजीशन होती है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दोनों पोजीशन पर पॉसिबल है, लेकिन जो मेनली होता है वो किस पोजीशन पर होता है, अल्फा पोजीशन पर ही होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड होता है, अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जो क्या होता है कि इसकी कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर ही क्या करता है अटैक करता है। उसका रीजन क्या है कि भी अल्फा पोजीशन पर ये क्यों करता है, तो उसका रीजन यहाँ पर क्या आता है कि जो अल्फा पोजीशन पर जब अटैक होती है तो उसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है कि 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, और 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो उस कारण से क्या होती है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, कि अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बनाई हुई है कि क्या होता है कि इसकी अल्फा पोजिशन यानी कि 3 और 5, भाई यहाँ पर क्या है कि आपने जो नॉमिनी कल्चर में बताया था कि भाई जो हेट्रो एटम उसको तो 1 नंबर 1 देंगे, फिर 2, 3, 4 और 5, तो ये दोनों पोजिशन अल्फा पोजिशन है यानी कि 2 और 5 पोजिशन, ठीक है। इसी तरह से जो 3 और 4 पोजीशन है वो कौन सी है, बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा तो उस कंडीशन में इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये 1, 2, 3 ये फॉर्म हो रही है, जिससे क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है।
इसी तरह से क्या होता है कि यदि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है कि अगर इसकी बीटा पोजीशन पर अटैक करता है, यानी कि बीटा पोजीशन पर ऐड होता है, तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं यानी कि जो कार्ब कैटायन के जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनकी क्या है कि ओनली टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। जब टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो क्या होता है कि भाई आपको भी ये पता है कि जिसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी कम होती है उसकी क्या है कि स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाती है। तो इसके कंपेयर दोनों की बात करेंगे तो इसमें तो तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है यानी कि अल्फा पोजिशन पर, तो और बीटा पोजिशन पर ओनली क्या हो रही है कि टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी जो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगी कि अधिक होगी, ठीक है ना, कि अल्फा पोजीशन पर। अगर बात यहां पर एक कंडीशन और भी है कि अगर क्या होता है कि अल्फा पोजीशन क्या है कि वैकेंट नहीं है, यानी कि वहां पर कोई अदर ग्रुप वहां पर ऑलरेडी क्या है कि प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिर वो बीटा पोजीशन पर ही करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि अल्फा पोजीशन तो अवेलेबल फ्री है ही नहीं। तो अल्फा पोजीशन फ्री नहीं है तो उस कंडीशन पे जो सब्सिट्यूएंट आएगा वो सब्सिट्यूएंट किस पर आएगा, बीटा पोजीशन पर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो बात होती है कि अब अपन बीटा पोजीशन पर डिस्कस करते हैं कि बीटा पोजीशन पर क्या है कि दो तरह के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि अट्रैक्टिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी कि रिपल्सिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो इसमें दोनों की बात होती है। तो अब क्या होता है कि अगर अपन बात करें कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उन कंपाउंड्स में क्या होता है कि अगर क्या होता है कि कोई ऐसे मोर रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि रिंग में अगर कोई भी क्या हो कि हाई इलेक्ट्रो अट्रैक्टिंग यानी कि जो मोर रिएक्टिव अट्रैक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स हैं, जैसे क्या है कि नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या है कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इनके क्या है कि इनकी प्रेजेंस से क्या है कि माइनस एम इफेक्ट यानी कि माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, से जो अनुनाद उत्पन्न होता है उन कारणों से क्या होता है कि जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और क्या होती है कि जब स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की जब स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो रिएक्टिविटी के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि नाइट्रो ग्रुप से ये जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि यानी कि अल्फा पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस से क्या है कि यहाँ पर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस कंडीशन में क्या है, सॉरी चार, ठीक है, तो चार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन क्या है कि रिएक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है, ठीक है। इसके इसी पॉइंट के ओपोजिट क्या होता है कि अगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ हो, अल्फा पोजीशन पर क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या अपन क्या बोलने कि रिपल्सिंग ग्रुप हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बीटा पोजीशन पर जैसे क्या है कि एमीन ग्रुप है, डाई एमीन, वो डाई एल्किल एमीन है, ठीक है, इसके अलावा OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इनकी तो ये क्या करते हैं कि रिएक्टिविटी इनकी प्रेजेंस से क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, अस्थायी हो जाते हैं और क्या होते हैं कि आगे तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। अतः क्या होगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग करने वाला ग्रुप होगा तो वो कंपाउंड क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने वाला ग्रुप रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा और उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी कि कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि क्या है कि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ ही नहीं है तो उस कंडीशन में क्या रहेंगे कि ये क्या रहेंगे अधिक क्रियाशील रहेंगे। इस कारण से क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं कि अत्यंत मंद यानी कि माइल्ड परिस्थितियों में ही संपन्न करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बात आती है कि अब अपन लेते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको तीन एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अपने को प्रोल फ्यूरेन और थायोफिन पर ही डिस्कस करना है, टॉपिक अपने को यही पढ़ने हैं।
तो आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं अब ये, तो वो पहला टॉपिक आता है प्रोल। सॉरी, ठीक है, प्रोल में बात करें तो स्ट्रक्चर आपको शो हो ही रही है सामने, ठीक है, प्रेजेंट है आपके सामने, तो इसमें पोजीशंस भी आपको लिखी हुई है, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन कैसे हैं, तो ये तो आप जनरली जानते ही हैं क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं, तो इतना तो आप जानते ही होंगे अब, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बात करते हैं अपने इसके विरचन यानी कि प्रिपरेशन के मेथड्स पर, तो फर्स्ट आता है एसिटी एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन यानी कि क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। तो एसिटिलीन का क्या है कि जब अमोनिया के मिक्सचर के साथ क्या करते हैं कि रेड हीटेड ट्यूब यानी कि रक्त तप्त, ठीक है ना, बिल्कुल लाल, ठीक है, ट्यूब में से क्या है कि पास आउट करते हैं, पास थ्रू करते हैं, तो क्या होता है कि प्रोल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। रिएक्शन आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख दी थी पहले, ठीक है, जो आपको दिख रही है अब। तो इसके बाद जो बात आती है कि अब मैं आपके साथ साथ यहाँ बताता चलता हूँ और राइट भी करेंगे आप, यहाँ पर नोट भी करेंगे अपन, ठीक है। तो और एक बात और भी है, आप स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि आपको पीडीएफ सेंड करूँ या आपका इसी से गुजारा हो रहा है, तो ये आप मुझको पर्सनली नंबर पर एक मैसेज सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, जो आपको ग्रुप में लिंक भेजते हैं अपन, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मुझे कंफर्म करा देना, ठीक है ना, क्योंकि आजकल मैंने पीडीएफ नहीं सेंड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में की थी लेकिन अब पीडीएफ सेंड नहीं हो रही है, तो आप मुझे कंफर्म करा देना, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है, अपने नेक्स्ट मेथड पर बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिटिलेशन। क्या आता है? एसिटिलेशन। एसिटिलेशन में क्या होता है कि, सॉरी, एस्टिलेशन, एस्टिलीन तो हो गया अपना, ठीक है ना, एस्टिलीन से। अब जो नेक्स्ट मेथड आता है अपना, वो आता है अमोनियम म्यूसेट से, फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट। अब क्या है कि अमोनियम म्यूसेट को क्या करते हैं कि ग्लिसरॉल के साथ क्या करते हैं कि 200 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो क्या बनता है, पिरोल बनता है। क्या करते हैं? अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कराने पर पिरोल प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त होगा, रिएक्शन बताते हैं अपने इसमें कि अमोनियम म्यूसेट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHOH, ठीक है, CHOH, CHOH, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी, लिख रहा है ना आप लोगों को, ये थोड़ा इस पर आ गया, ओ, एंड से लिखते हैं, COO NH4, ठीक है। इसी तरह से यहां से क्या जाएगा, CHOH और COO NH4, ये क्या हो गया, अमोनियम म्यूसेट, ठीक है। इसको किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ग्लिसरॉल क्या होगा, CH2OH, CH OH, CH2OH, इसको किसके साथ हीट करेंगे, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, पिरोल। अब मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है ना, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस पानी, कितने मॉलिक्यूल आएंगे इसके? फोर, कार्बन डाइऑक्साइड के टू मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ आपको क्या है कि अमोनियम म्यूसेट से आप इस तरह से इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है अपना सक्सिनामाइड से। तो सक्सिनामाइड में क्या होता है कि जो सक्सिनामाइड है इसको क्या है कि जिंक कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा, पिरो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है अपना सक्सिनामाइड से फ्रॉम सक्सिनामाइड, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो सक्सिनामाइड है सक्सिनामाइड को जिंक डस्ट के साथ डस्ट के साथ डिस्टिलेशन कराने पर पिरोल, ठीक है। तो पिरोल कैसे प्राप्त होगी आप इसमें रिएक्शन बताएंगे। तो सक्सिनामाइड क्या होता है, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और या ये N और H, ठीक है। इसके साथ इसको किसके साथ, जिंक डस्ट ZN के साथ करेंगे, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जिंक ऑक्साइड आउट हो जाएगा, ठीक। और क्या बन जाएगा अपने पास, पिरोल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये अपना क्या बन गया, पिरोल का फॉर्मेशन हो गया। इसको बैलेंस करेंगे तो टू ऑक्साइड की निकलेंगे, तो यहाँ भी ये क्या लेंगे, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो आएगा अपना फ्यूरेन से, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।